फर्स्ट टाइम इस तरीके से मुहूर्त में टीज़र लॉन्च किया गया है। हो सकता हुआ हो, मेरी जानकारी में नहीं है, बट एक अलग अंदाज में इस तरीके से हम अक्सर ट्रायल में जाते हैं जब फिल्म देखनी होती है। पहली बार हम मुहूर्त में ट्रायल रूम में बैठ के और फिल्म का टीज़र देख रहे हैं। विलन की जिम्मेदारी में हूँ, अंजना सिंह हैं और अपने समर चतुर्वेदी हैं, ग्लोरी हैं और साहिल हैं, फिल्म में मनोज टाइगर हैं, श्रवण कुमार हैं, इस तरीके से राम मिश्रा जी और आनंद मोहन जी फिल्म में हैं, के गोस्वामी हैं और फिल्म की एक बहुत अच्छी कास्ट तैयार की है संजय जी ने। क्राइम के वर्ल्ड का बहुत बेजाज बादशाह है, किसी एक मैटर पे उसकी अनबन या टकराव हीरोइन से होता है जिसके तहत पूरी फिल्म में वो ड्रामा होता है। बस बाकी ज़्यादा तो कहानी के बारे में नहीं बताऊँगा। नॉन स्टॉप जो खिलाड़ी फिल्म है, बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है और इसमें जो मेरा किरदार है वो एक कैथलिक लड़की का है जो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा कि खुद का क्रिएट किया हुआ कुछ है। हम कुछ भी अलग करते हैं तो साउथ को क्रेडिट दे दिया जाता है, ऐसा नहीं है। हमने कुछ अलग किया है और अच्छा उन्होंने अपना इस पर टाइम दिया, मेहनत की और कुछ अलग प्रेजेंट किया उन्होंने, बिकॉज उसमें काफ़ी VFX और काफ़ी न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ है। फिल्म करने के टाइम पर भी बहुत इन्जॉय किया उसको। एक्चुअली जो कास्ट हम लोग ढूंढ रहे थे उनके लिए जो एग्जैक्ट जो कैरेक्टर जो कास्ट चाहिए थे वो संजय जी थे, तो बस इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले संजय जी को अप्रोच करा। पहले मुझसे कही थी कि आप नहीं करेंगे तो फिल्म बंद, राइट्स खरीदे जा रहे हैं फिल्मों का, और नाम का तो मेरे ख्याल में चैलेंज भी पिक्चर हो इंग्लिश नेम से ही आई है, तो मेरे ख्याल नाम में तो इतना इश्यूज नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना मैं बताऊँगा कि फिल्म का जो स्टाइल है, जो फिल्म जिस तरह के हम जैसे आपने टीजर में देखा तो वैसे लुक मेंटेन कर रहे हैं और सारी सिटी की कहानी है, सब स्टाइलिश मूवी, किसी जोन को, किसी इश्यूज़ को, किसी सोशल इशू को ये कहीं से टच नहीं कर रही। ये बेहतरीन मसाला एक्शन मूवी, फुल एंटरटेनिंग। आप घुसे डेढ़ घंटे दो घंटे इन्जॉय करो बाहर। अब मैं शायद इसमें 12th मैन हूँ जो बाहर रह के ड्रिंक्स आके प्लेइंग 11 में पिलाता है। कुछ बड़ा फनी सा कैरेक्टर है, थोड़ा सा ग्रे शेड है, थोड़ा सा विलनिश है। संजय भैया के साथ भी हूँ और जो हीरो है उसके साथ होके भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने अपने आप को 12th मैन बोला है। टीजर तो बहुत बेहतरीन हुआ है और ये इस फिल्म का मुहूर्त ही बहुत अलग ही ढंग से किया गया है। मतलब अभी तक के जितने मुहूर्त मैं तो सोच रहा हूँ कि उससे सबसे अलग ही है। और इस फिल्म में मैं चौबे जी का करेक्टर कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का है करेक्टर जो है, जो इंस्पेक्टर के साथ में रहता है और हमेशा जो है ना उनका साथ देते रहता है। और इस तरह से मतलब कि जो भी वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं वो आइडिया नहीं है उनको, लेकिन कुछ इस तरह से करते रहता है और सबको एक हंसाने के लिए, सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी नॉन स्टॉप खिलाड़ी में मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, मतलब पूरा का पूरा खिलाड़ी मैं ही हूँ और इसमें मेरा बहुत प्यारा रोल है, बहुत अच्छा रोल है। मैं हीरो का दोस्त हूँ, मेरे साथ में हीरोइन है और बस ये फिल्म बनने दीजिए, फिर आपको बहुत मजा देंगे हम लोग सब। नहीं तो अब आपके साथ हीरोइन है तो गाने भी होंगे, रोमांस भी होगा। बिल्कुल, रोमांस भी है, गाना भी है और कई बार मैं हीरो के साथ रोमांस करता हूँ। ये अपने जो हीरो संजय जी हैं, जो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और यही हीरो हैं, इनको मैंने कहा था कि एक बार एक काम क्यों नहीं करते, एक ड्यूप रख लेते हैं जी। और आपकी समटाइम्स के लिए मूंछ निकालते हैं, फिर आपको हीरोइन भी बना लेते हैं जी। मतलब हीरो संजय जी, हीरोइन संजय जी, डायरेक्टर संजय जी, प्रोड्यूसर संजय जी, तो क्यों ना हीरोइन भी इन्हीं को बना दिया जाए, पर ये मान नहीं रहे हैं। देखिए फिल्म एक्शन थ्रिलर है एंड इसमें मेरा नेगेटिव रोल है एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव पार्ट करता हूँ, तो इस फिल्म में भी नेगेटिव पार्ट कर रहा हूँ। और मेरा जो रोल है वो मतलब अपनी फैमिली के लिए एक बंदा कुछ भी कर सकता है, मतलब वक्त रहे तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वक्त रहते हुए तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। फ्रेंड्स, पिक्चर है नॉन स्टॉप खिलाड़ी और जिस तरह इसका टाइटल है मैं चाहता हूँ ये रन भी उसी तरह से करे, चलती रहे। इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है मिस्टर संजय दयाली, हम्बल से आदमी है। टीजर मुझे बहुत अच्छा लगा, पिक्चर अब क्या बनाते हैं, कैसी बनती है, इट डिपेंड्स। कलाकार सारे अच्छे हैं, अंजना जी हैं, संजय पांडे हैं, समर्थ है। एक्चुअल में मैं तो इस फिल्म का ऐसे ईपी काम कर रहा था और उनको मेरा काम थोड़ा अच्छा लगा तो उन्होंने
दूसरी भी जिम्मेदारियां दे दी, उन्होंने बोले सर थोड़ा सा शादाब अगर डायरेक्शन में भी थोड़ा इन्वॉल्व हो जाओगे तो और मज़ा आएगा। तो मैंने बोला चलो एक साथ दो दो काम करते, वैसे भी मैं मल्टी टैलेंटेड आदमी हूँ, लोग कहते हैं ऐसा, तो मैंने कर लिया। बस अब ये एक छोटी सी कोशिश है जिसका टीज़र हम लोगों ने कल नाइट में तैयार किया था, आज लोगों के सामने अच्छा लग रहा है, लोग बोल रहे हैं। हाय, मैं हूँ अर्चना प्रजापति और मेरे तरफ से संजय दयाली और सारे टीम को नॉनस्टॉप खिलाड़ी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।